नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस समय मैं खड़ा हूं आवरी माता चेक पोस्ट पर और ये आवरी माता चेक पोस्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे मध्य प्रदेश पुलिस है और ये राजस्थान बॉर्डर पे है। मैं जिस जगह खड़ा हूं इस तरफ राजस्थान है और पीछे आप देख पा रहे हैं ये आवरी माता का चेक पोस्ट है जहाँ पे पुलिस फोर्स लगा है। मध्य प्रदेश में चौथे चरण की का मतदान कल सोमवार को है और इसी चौथे चरण में नीमच मंदसौर जावरा संसदीय क्षेत्र के सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, भारी पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है, उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले कल नीमच मंदसौर संसदीय सीट पर जो मतदान है उस पर 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, जिसमें बीजेपी से सुधीर गुप्ता और कांग्रेस से दिलीप गुर्जर चुनाव मैदान में, और वहीं बसपा से बात करें तो कन्हैयालाल मालवी बीएसपी के उम्मीदवार है। इसके अलावा जो बाकी 5 उम्मीदवार है वो निर्दलीय है, तो कुल 8 उम्मीदवार है। एक और खास बात है, यदि लोकसभा चुनाव की यदि बात की जाए तो मुद्दों के एतबार से यह चुनाव पूरी तरह नीरस रहा है। यदि पिछले 1 महीने के चुनावी कैंपेन की हम बात करें तो इस 1 महीने के दौरान कोई भी बड़ा मुद्दा चुनाव का उभर के नहीं आया। अधिकांश जगह हमने ये देखा कि जो बीजेपी के उम्मीदवार है वहाँ पूरे समय वो राष्ट्रीय मुद्दों पे बात कर रहे थे, तो वहीं कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो भी उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द बोलते नजर आए। एक और खास बात इस चुनाव को लेकर यदि की जाए तो ये मुद्दों के लिहाज से पूरी तरह ये चुनाव नीरस रहा। इस चुनाव में कोई भी ऐसा बड़ा मुद्दा उभर के नहीं आया जिस पर जनता में कहीं बातचीत होती सुनी गई हो, और कुल मिलाकर के जो प्रत्याशी थे वही अपना प्रचार करते रहे। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुधीर गुप्ता है तीसरी बार चुनाव मैदान में, और यदि उनके पूरे चुनावी कैंपेन को हम नजर डालें तो वो पूरी तरह अपना चुनावी कैंपेन मोदी के आश्रय करते नजर आए। वहीं उस चुनाव में वो पूरी तरह राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करते नजर आए, चाहे वो मंगलसूत्र का मामला हो, चाहे भारत पाकिस्तान का मामला हो, ऐसे तमाम मुद्दों पे वो बात करते नजर आए। स्थानीय मुद्दों पर ना तो बीजेपी के नेता बात करते हुए नजर आए, ना कांग्रेस के उम्मीदवार स्थानीय मुद्दों पे बीजेपी प्रत्याशी को घेर पाए। वैसे कांग्रेस प्रत्याशी के पास और कांग्रेस के पास बात की जाए तो बीजेपी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता को घेरने के लिए काफी मुद्दे थे, लेकिन इस चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस वो घेराबंदी बीजेपी की कर ही नहीं पाई। क्योंकि दिलीप गुर्जर मूल नागदा के निवासी है, मंदसौर संसदीय क्षेत्र के बाहर के, तो उतनी पकड़ उनकी यहाँ पे कांग्रेस संगठन में नहीं देखी गई कि वो पूरे संगठन में अलग जगह पाते और एक तरह से वो बीजेपी को घेर पाते। तो पूरी तरह से मुद्दों के एतबार से ये चुनाव एक तरह से नीरस होता हुआ दिखा। यदि हम इस संसदीय क्षेत्र की बात करें तो इस संसदीय क्षेत्र में कल सोमवार को होने वाले मतदान में करीब 18,92,012 मतदाता वोट डालेंगे। इसमें 9,55,347 पुरुष और 9,36,639 महिलाएं अपने मतदान का उपयोग करेगी। वहीं थर्ड जेंडर के करीब 26 वोट है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इस संसदीय क्षेत्र में 2,151 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पे कल वोट डाले जाएंगे। एक तरफ मुद्दों के लिहाज से ये चुनाव जहां नीरस था, वहीं दोनों ही जिलों का प्रशासन इस प्रयास में है कि मतदान अधिक से अधिक हो, और वॉइस ऑफ एमपी भी आपसे अपील करता है कि मतदान हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है और हमें हर हाल में मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। तो यदि ये जो पूरे संसदीय क्षेत्र का आंकड़ा था, यदि मंदसौर जिले की बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें और इन 4 विधानसभा सीटों में करीब 10,44,000
647 मतदाता हैं, इनमें से 527,255 पुरुष और 517,380 महिला मतदाता शामिल है। वहीं थर्ड जेंडर के 12 वोट है नीमच मंदसौर जिले में, और जिले में करीब 1,133 पोलिंग बूथ है और उसमें ये कल मतदान होगा मंदसौर जिले में। यदि नीमच जिले की यदि हम बात करें तो नीमच जिले में की 3 विधानसभा सीटें, जिसमें 443 शहरी ग्रामीण मतदान केंद्र है, और वहीं बॉर्डर की बात करें तो 102 मतदान केंद्र से हैं जो राजस्थान से लगी बॉर्डर पे। वहीं जिले के अंदर कुल 6,15,302 मतदाता है, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 3,03,588 है, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 3,11,707 है। इस लोकसभा चुनाव की एक और खास बात है कि 18 से 19 वर्ष की आयु में 17,868 मतदाता नीमच जिले में। तो इस तरह से यदि हम बात करें तो नीमच जिले और मंदसौर जिले में कुल 18 लाख से अधिक जो वोटर है वो कल सोमवार को अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। लेकिन मुद्दों के लिहाज से ये पूरा चुनाव पूरी तरह नीरस रहा, और जैसा कि आप ने भी महसूस किया होगा कि उतना ना तो प्रचार प्रसार दिखा, ना ही वोटिंग को लेके लोगों में इतना उत्साह दिखा, ना चुनाव की चर्चा सुनी गई कि लोग उस पर बात करते रहे हो कि चुनाव को लेके किसी तरह का कोई इशू क्रिएट हुआ हो। एक और खास बात कि इस चुनाव में यदि देखा जाए तो बड़े नेताओं के एतबार से सबसे बीजेपी की बात करें तो सीएम मोहन यादव, वो उन्होंने इस संसदीय क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी का प्रचार किया, तो कांग्रेस के एतबार से केवल बड़े नेताओं में जीतू पटवारी जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है वो यहाँ आए थे, और उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार दिलीप गुर्जर के लिए वोट मांगे। तो कुल मिलाकर के बड़े नेताओं के लिहाज से भी ये पूरा चुनाव जो है एक तरह से सूना ही रहा। बीजेपी में सीएम मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुधीर गुप्ता के समर्थन में रैलियां की, रोड शो की और वोट मांगे। बाकी कोई राष्ट्रीय परिदृश्य का नेता इस चुनाव में नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने नहीं आया। तो कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो बड़े नेताओं की रैलियों के एतबार से भी ये चुनाव पूरी तरह नीरस रहा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस समय में आवरी माता बॉर्डर पे हूँ, राजस्थान से लगी ये बॉर्डर है, और मेरे पीछे जैसा कि देख पा रहे हैं कि किस तरह से यह इंतजाम लगा हुआ है, और पुलिस जो है तमाम गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। चूंकि कल मतदान है इसलिए तमाम बॉर्डर सील कर दी गई है, और 102 पोलिंग राजस्थान से लगे बॉर्डर पर मध्य प्रदेश के अंदर है, जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस है। नीमच जिले की बात करें तो करीब 5,000 से ज्यादा पुलिस कर्मी इस चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान को लेके तैनात किए गए हैं, और जैसा कि सबको पता है कि इस चुनाव को लेकर पुलिस अत्यधिक एहतियात बरत रही है, और तमाम जो संवेदनशील जो मतदान केंद्र है उन पर भी पुलिस बल काफी लगाया गया है ताकि चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाए। मैं अपनी बात खत्म करूं उससे पहले कि मतदान हमारा राष्ट्रीय फर्ज है, और आप हर हाल में मतदान करें और मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। तो ये था अब तक का अपडेट। ऐसे ही हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।